सिलवासा प्रशासन द्वारा टीवी अने कुपोषण थी मुक्त गामडाओ बनावा माटे आयुष्मान भव चलावामां आवी रह्युं छे। गौरवसिंह राजवाते जणाव्युं के प्रशासक प्रफुल्ल पटेलनी मार्गदर्शिका पर काम करी रही छे। आ टीमनी रचना करवामां आवी के जेमां आशा वर्कर, आरोग्य अधिकारी अने एक आईएएस अधिकारीओ अने नोडल ऑफिसर बनावामां आव्या। तेओ दरेक पंचायतमां काम करशे अने कलेक्टर प्रियंक किशोर, गौरवसिंह राजावत, आरडीसी शुभम पाठक अने जिला पंचायत सदस्य दीपक प्रधान हाजर रह्या। आज आंगणवाड़ीमां बाळको अने तेमना वालीओ हाजर रह्या हता। वहीवटीतंत्र द्वारा दरेक प्रकार की व्यवस्था करवामां आवी छे अने बाळको ने किट नु वितरण पण करवामां आव्युं हतुं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आयुष्मान भव करके जो कार्यक्रम है पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया है 17 सितंबर से, इसी के तहत सभी गाँव में सभी एरिया में जाकर जो भी टीबी से ग्रसित जो लोग हैं, साथ साथ डिप्रेसी वाले जो लोग हैं, और उन लोगों को जाकर विशेष तौर पर उनका ट्रीटमेंट ताकि अच्छे से हो सके उसके ऊपर विशेष कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत माननीय प्रशासक महोदय ने ये भी पहल करी है कि जो हमारे कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देकर अगले 6 से 8 महीने में उनको जो उचित खुराक मिल सके उसको मॉनिटर करके, उसको खुराक प्रोवाइड करके, और वो बच्चा उसको खाए, अच्छे से प्यार से खाए, उसको उसकी माताएँ उसको अच्छे से खिलाएँ, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए गाँव-गाँव जाकर लोगों में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और जो भी खुराक की कमी हो रही है उसको पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत हमारी जितनी भी पंचायतें और वार्ड हैं सभी में सुपरवाइजरी ऑफिसर्स नियुक्त करे गए हैं, साथ साथ हेल्थ ऑफिसर्स हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, उन सब की जोड़ के टीम बनाई गई है जो कि इस कार्य को ग्रास रूट लेवल पर जाकर गांव-गांव में जाकर बच्चों को विशेष ध्यान देकर इसको कार्य आगे करने वाली है। मेरी सभी माताओं पिताओं से पहल है कि आप प्लीज़ इसमें अपने बच्चे का विशेष ख्याल रखें, उसको जो भी उसको खुराक चाहिए, जो भी उसको प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो चाहिए वो सब उसको प्रोवाइड करें। जो भी गैप रह रहा है उसको प्रशासन उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को खेलने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। खेलेगा बच्चा तभी भूख लगेगी, उसको एनर्जी, उसकी आवश्यकता भी, खाएगा अच्छा, उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा और उसका भविष्य भी उसी हिसाब से फिर आगे सुंदर होगा। तो मेरा आज आप लोगों के माध्यम से यही सभी से अपील है कि प्लीज़ आयुष्मान भव के तहत कुपोषण से मुक्त करने के लिए जो कार्यक्रम माननीय प्रशासक महोदय ने चालू किया है इसमें सब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करें।